What comes to your mind when I say marketing? Well, if you want, you can pause the video and take your time. And while you are thinking on it, let me just quickly unbox my new Boa mic, which I bought recently to reduce the external voices in my video. So let's see how it goes. Any of you would have thought that marketing is all about promotion. Well, but that's not true. It was all about promotion, but then, like everything else, marketing term ka bhi evolution hua, and then we went on to the next stage called the 4 P's of marketing: product, price, place, and promotion. The 4 fundamental P's of marketing. Fir iske baad we went on to the next stage called the STP model of marketing: the segmentation, targeting, and positioning model of marketing. And fir iske baad hum log aaye relationship marketing pe, the RM model of marketing. एंड तो अगर आप ध्यान से इस सारे प्रोसेस को देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन टू प्ले इट्स द पीपल, द 5th P, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आप पीपल को ही अपने प्रोडक्ट सेल करोगे. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द पीपल. सो लाइक एक तो फंडामेंटल आपको होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेके चलने ही पड़ते हैं टू सक्सेस इन बिजनेस, टू सक्सेस इन मार्केटिंग. In simple words, your job is to create, communicate, and deliver a value to a target market at a profit. The popularly known as the CCDVTP formula, given by the great marketing legend Philip Kotler, popularly known as the marketing management father, father of marketing management. Actually, I'm interested in marketing, so I was searching for the best books on marketing, because yeah, I think that books plays a vital role in our life, because किसी author ने अपने life के experiences plus knowledge को book के माध्यम से हमारे साथ share किया होता है. So instead of going for high prices courses, we should try to take knowledge from the people who are actually experts in the field that we seek knowledge. ठीक है, जिस field में हमें knowledge चाहिए तो उस field में हम देखें कि already किसी ने बहुत अच्छा लेवल अपना हासिल किया हुआ होता है, तो उन्होंने ऑलरेडी एक बुक अपना लिखा होता है. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल. एंड लाइक क्योंकि हमारा यार इतना रीच नहीं होता है, ठीक है ना, कि मतलब हम लोग डायरेक्टली उनसे बात कर सके, तो हमें नॉलेज उनका नॉलेज बुक्स के या उनके कुछ अच्छे वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर लेना चाहिए. सो आई वॉज सर्चिंग फॉर द बेस्ट बुक्स ऑन मार्केटिंग, देन आई फाउंड दिस वीडियो बाय संदीप महेश्वरी सर. अब उसको ये बात समझ आएगी वहाँ पर जा करके कि भाई साहब नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ये भी उसी प्रोडक्ट का पार्ट है. उसके बिना आप एक फेलियर हो. नहीं तो क्या होगा, वो कंप्यूटर तो बना लेगा, वो कहेगा कि देखो यार मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, कंप्यूटर भी बना लिया, अब नहीं बिक रहा तो मैं क्या करूँ. जो फेलियर होगा वहाँ जाके अटक जाएगा, वो कहेगा अब नहीं बिक रहा मैं क्या करूँ, मैं तो गया 10 दुकानों पे जा करके, मैंने कहा खरीद लो, किसी ने खरीदा ही नहीं, अब मैं क्या करूँ. क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि तेरे को प्रोडक्ट बनाना तो आ गया, उसको मार्केटिंग करना नहीं आया. तब उसको उस पॉइंट पे आके क्या करना चाहिए, उसको एक बुक पढ़नी चाहिए, जो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स ऑफ ऑल टाइम, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर. उसने क्या किया, उसको समझ आया कि भाई बिलीव स्ट्रांग करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करो, प्रोडक्ट को पैकेज कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है. व्हाट आर दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. क्या है ये, प्लेस का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का मतलब क्या है, प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, प्रमोशन करते कैसे हैं, कैसे करते हैं प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कैसे पैम्फलेट बनते हैं, कैसे डिजाइन होता है, क्या होता है प्रोडक्ट का USP क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है. ये सब चीजें वो किसी स्कूल से नहीं सीख रहा, किसी कॉलेज से नहीं सीख रहा, अपने आप सीख रहा है. और कहां से सीख रहा है, ऐसे आदमी से जिसको कि एक्सपीरियंस है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज में. हम क्या करते हैं, नॉलेज गलत जगह से ले लेंगे और फिर कहेंगे कि वो काम क्यों नहीं कर रहे. नॉलेज का फायदा सिर्फ तब है जब आप एक ऐसे आदमी से लो जिसको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है.
जिसने उस टॉपिक पे रिसर्च करी है, जिसको पता है, हु इज अ मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उससे आप नॉलेज को गेन करो तो बढ़िया है। So after seeing this video, I went on to my favorite online store, Amazon, and then I placed the order. So अभी यार हमारे पास ये book आ चुकी है. So ये हमारी book Marketing Management by Philip Kotler. बुक का छोटा सा रिव्यू करते हैं, बुक रिव्यू करते हैं. सो लेट्स गो. सो ये हमारी बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर. इसके को ऑथर है केविन लेन केलर. दिस बुक इज़ द बाइबल ऑन मार्केटिंग एंड आई हैव हर्ड दैट दिस बुक इज़ आल्सो यूज्ड इन बीबीए एंड एमबीए कोर्सेज अक्रॉस इंडिया. सो इफ़ यू आर समवन हु आर इनरोल्ड इन दिस कोर्सेज एंड वॉचिंग दिस वीडियो, सो डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन. एंड बींग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक बिकॉज आई थिंक मार्केटिंग elevates your level of thinking. आपका decision making process को improve करता है. So marketing is an important skill that everyone should have. That's why top positions in any company belongs to the management people. So अभी हम लोग देखते हैं book खोल के कि मतलब अंदर दिया हुआ क्या है. सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो अबाउट द ऑथर्स दिया हुआ है. सो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. एंड उसके बाद ब्रीफ कंटेंट्स दिया है. आप देख सकते हो कि प्रॉपरली सेगमेंट वाइज चैप्टर को ब्रेक किया गया है. सो आपको पढ़ने में आसानी होगा, समझ भी ज़्यादा आएगा. एंड टोटल 23 चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें. उसके बाद डिटेल कंटेंट्स दिए हुए हैं, पूरे टॉपिक वाइज सबको डिवाइड किया गया है. एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहोगे तो आप डायरेक्टली ओपन करके पढ़ सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको पढ़ना है प्राइसिंग के बारे में, सो आप डायरेक्टली देखोगे प्राइसिंग का पेज नंबर किस पेज नंबर पर दिया हुआ है एंड डायरेक्टली आप उस पेज को रीड कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर आप प्राइसिंग के बारे में तो आप थोड़ा देख भी सकते हो. एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं वापस टू कंटेंट्स जहाँ पर हम लोग थे. सिमिलरली अगर आप चाहो तो बाकी टॉपिक्स भी रीड कर सकते हो. एंड यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़. सो यहाँ पर आप शुरू में देखोगे कि यूनिलेवल का एग्जांपल दिया है. एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि एक स्ट्रक्चर वे में आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी का बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. एंड आप इसे इंटरनेट से भी देख सकते हो बट वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लोग बाकी लोगों को ये भी नहीं मालूम होता है कि सर्च क्या करना है. सो इट इज़ अ गुड थिंग दैट यहाँ पर कलेक्टिव वे में अच्छा स्ट्रक्चर वे में मिल जा रहा है. अब यहाँ देख सकते हो विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्मॉल बिजनेस सैटरडे. ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छे मिल जाएंगे. व्हाट इज मार्केटिंग, होता क्या है, क्या क्या मार्केटेड होते हैं, ठीक है, तो गुड्स होते हैं, तो यहाँ पर सर्विसेज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सब आपको जानने को मिलेगा. और टोटल 10 चीज़ मार्केट हो सकते हैं. हु मार्केट, कौन मार्केट करता है, टाइप्स ऑफ डिमांड, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, नीड्स क्या होते हैं, वॉन्ट्स क्या होते हैं, डिमांड्स क्या होते हैं, एफटीपी मॉडल ऑफ मार्केटिंग. तो ये सब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ आपको जानने को मिलेगी इस बुक को पढ़ने के बाद. यहाँ आप तो अच्छा समझ नहीं पाएंगे पर आपके पास ज़्यादा बुक आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा समझने में. एंड यहाँ ऑफरिंग एंड ब्रांड्स दिया है, मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हो, इंडोन एंड अर्न मीडिया क्या होता है, ये इंप्रेशंस क्या होता है, इंगेजमेंट क्या होता है, तो ये सब जानने को मिलेगा इस चैप्टर में. फर्स्ट चैप्टर में आपका बेसिक फाउंडेशन सेट किया हुआ है, बेसिक सब बताया गया है. एंड आगे मतलब डिटेलिंग किया हुआ है बाकी आने वाले चैप्टर्स में. सो यहाँ कुछ पढ़ने के बाद आपको ये भी लग सकता है कि ये तो मुझे पहले से मालूम था, वो ठीक है, बट यहाँ आपको स्ट्रक्चर वे में सब बताया गया है सो आपको मेमोरी में रिकॉल करने में अच्छा रहेगा. सो यहाँ पर आप न्यू मार्केटिंग रियलिटीज क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, यहाँ आप देख सकते हो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, कोका कोला का हग मशीन का एग्जांपल दिया गया है, कैसे उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रेटजी अपनाया था जिसके कारण उनका सेल्स बहुत बढ़ गया था. एक्चुअली हुआ क्या था, वेन एवर पीपल यूज टू पुट देयर आर्म्स अराउंड दिस मशीन एंड हग इट, देन कोक का कैंस बाहर आता था, विच क्रिएटेड एन एंगेजमेंट फ्रॉम इंप्रेशन, बिकॉज ये हग का मशीन वॉज इन सिंगापुर, सो पीपल यूज टू कम आउट हेयर इन नंबर्स एंड कैप्चर देयर मोमेंट एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस दैट लीड टू कंजर्वेशन, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ फैल गया था एंड विच फाइनली लेड टू ट्रांजेक्शन. सो दिस थीम ऑफ कोको कोला ऑफ क्रिएटिंग हैप्पीनेस वॉज अमेजिंग. एंड कोई भी ब्रांड वो चाहेंगे एंगेजमेंट अपना इंक्रीज करने का, दैट्स वे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का रील्स है, क्यों, क्योंकि वो आपको
एंगेजमेंट बढ़ाता है आप इंस्टाग्राम पे, आप स्क्रॉल करते रहते हो एंड ये लाइक्स है, अब सोचो लाइक्स नहीं रहेगा पोस्ट पे तो मतलब एंगेजमेंट लेस हो जाएगा, आप इंगेज नहीं हो पाओगे, एंगेजमेंट फील नहीं करोगे। इसी प्रकार से काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस बुक में दी गई है, मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं है पर जितना ही पढ़ा है उसमें मज़ा आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया, यहाँ पर होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सो अगर किसी बिजनेस को सफल होना है सो उसे होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाना पड़ता है, उसे लेके चलना पड़ता है। एंड यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन लाइक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ये सब आपका होलिस्टिक मार्केटिंग में ही आता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग दिया गया है, सिंग विच कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर माइंडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 P's ऑफ मार्केटिंग दिया गया है, प्रोडक्ट में क्या आता है, प्राइस में क्या आता है, प्रमोशन क्या होता है, प्लेस क्या होता है, 4 A's ऑफ मार्केटिंग। सो यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड आप यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो यहाँ पर आपका 8 P's ऑफ मार्केटिंग तक भी गया गया है। एंड यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस है एंड इसके बाद ये टॉपिक्स के ऊपर पूरा चैप्टर दिया गया है, जैसे आपने कंटेंट्स में भी देखा होगा और यहाँ पर भी लिखा हुआ है लाइक सी चैप्टर 5। सो ये तो ब्रीफ में दिया गया है एंड आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशंस आगे चैप्टर्स में मिलेंगे इसके रिगार्डिंग में, कि क्रिएटिंग वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीवरिंग वैल्यू कैसे वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप समरी देख सकते हो, सो हर चैप्टर के बाद समरी दिया गया है। एंड यहाँ पर एप्लीकेशंस एंड फिर मार्केटिंग एक्सेलेंस, जो जिस कंपनी ने अपना अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाया है उन कंपनी के बारे में दिया गया है मार्केटिंग एक्सेलेंस के रूप में। यहाँ पर आपको नाइकी एंड गूगल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे इन्होंने अच्छा स्ट्रेटजीज अपनाया एंड कैसे लाइक गूगल ने कैसे मतलब इतना बड़ा ब्रांड एस्टैब्लिश अपना किया, सो उसका आपको केस स्टडी मिल जाएगा। एंड इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एंड फिर अभी लास्ट में देखें तो यहाँ पे अपेंडिक्स दिया है सौका मार्केटिंग स्ट्रेटजी एग्जाम्पल्स की तौर पर दिया गया है। एंड इसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप समझ नहीं पाओगे उसके बारे में दिया गया है ग्लोसरी में, सो आप उसे भी रीड कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारी बुक ख़त्म होती है एंड इसके बाद से आप देख सकते हो इंडियन केसेस के बारे में बुक, ये हमारी मेन बुक के साथ ही आई है एंड उसमें आपको फॉरेन केसेस ज़्यादा मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको इंडियन केसेस दिया है सो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड समझ भी ज़्यादा आएगा। एंड इसमें आपको देख सकते हो शुरुआत में आपको कंटेंट्स दिया गया है, तो यहाँ पर भी टॉपिक वाइज कंटेंट है। एंड आप ये चाहो तो ये बुक आप डायरेक्टली भी खरीद सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेन बुक ही खरीदो, सो ये आपको उसके साथ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बीच बीच में कहीं रेफरेंसेस दिया रहेगा कि मतलब फिलिप कोटलर का ये वाला पेज नंबर पर आप जाके देखो, सो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पर देख सकते हो MTR फूड्स का एग्जांपल दिया गया है एंड फूड इंडस्ट्री कितना बड़ा है उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, 4 P's ऑफ मार्केटिंग MTR फूड्स का। सो यहाँ पर आप कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। एंड यहाँ पर फिर आपका ग्लोवरी यहाँ पर भी दिया हुआ है, सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप जो समझ नहीं आएगा आपको एंड्स नोट्स एंड रेफरेंसेस के तौर पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर यह भी बुक हमारी ख़त्म होती है। आपको प्रोडक्ट बाइंग लिंक्स एंड वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन ट्विटर बिकॉज आई एम टेकिंग अ 10 डेज चैलेंज एंड आई विल बी पोस्टिंग कंटेंट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग लगातार 10 डेज तक। जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगी उसके नेक्स्ट डे से 10 दिन तक लगातार पोस्ट करेंगे, सो डू फॉलो मी देयर। एंड आई हैव टेकन अ लॉट एफर्ट टू मेक दिस वीडियो, सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड वीडियो अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आगे भी मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। एंड अगर आपने ये बुक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सो डू लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे एंड जो कमेंट रीड्स करेंगे उन्हें कुछ जानने को मिले। एंड अगर आपको कुछ और भी कहना हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि अगर मार्केटिंग सीखनी है तो आप क्या करें। एक बुक है फिलिप कोटलर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। इतनी मोटी बुक है, पढ़ने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो बिजनेस को लेकर के पढ़ दो एक बार। मेरा एक बार में समझ ही नहीं आया। हाँ, वो एक बार में समझ नहीं आएगी, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, पढ़ने में कुछ जा तो नहीं रहा है ना। और किस लिए पढ़ रहे हो, कोई एग्जाम देना है जाकर के, कहीं से नंबर आएंगे या कोई आपको नंबर देने वाला है, किस लिए? कि भाई बिजनेस करना है तो मार्केटिंग आनी ही चाहिए, आपका माइंड मार्केटिंग माइंड होना चाहिए। तो आप ऐसी ऐसी जगह पे बिजनेस देख लोगे, ऐसी छोटी मोटी जगहों पे जो सुनते ही आदमी कहेगा ये क्या है, ये कोई काम है, वहां पर भी आपको बड़े बड़े बिजनेसेस नजर आएंगे अगर मार्केटिंग माइंड है तो। मार्केटिंग माइंड नहीं है तो
तो बड़े से बड़ा भी आइडिया आपके सामने पड़ा होगा, आप उसको भी छोटा बना दोगे, छोटी सोच में फिट कर दोगे। मार्केटिंग से चीजें बड़ी होती है। तो ये बुक आपने ले ली, चाहे इसकी ई बुक ली चाहे फिजिकल कॉपी ली, और इसको दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, चार बार पढ़ लिया, जब तक ये समझ ना आ जाए। अगर ये समझ नहीं आ रही तो बिजनेस मत करो ना, क्यों कर रहे हो? Thank you.